मैं मिस्टर महिपाल, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज के थ्री। आज मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आईएसओ पोस्ट 12 के बारे में बताना चाहता हूं। आईएसओ पोस्ट 12 जिसको हम कहते हैं सम लागत, जैसा इसका नाम है सम लागत वक्र, कि उस वक्र पर या उस रेखा पर जो कॉस्ट आती है उत्पादक वो समान जो हम उत्पादक के साधन लगाते हैं और उनमें वेरिएशन करते हैं, हम उत्पादक के साथ उनमें वेरिएशन करते हैं, करने से नेचुरली उनकी जो प्राइस है उत्पादक के साथ उनकी उसके अनुसार लागत में भी अंतर आ सकता है। लेकिन ये सम लागत वक्र एक विभिन्न लेबर और कैपिटल जो है उनके ऐसे संयोग है उनकी लागत की, कि जहां पर हर बिंदु के ऊपर इधर हम लेबर कहते हैं और इधर और हम एक सम लागत ये हमारी सम लागत है जिसके हर बिंदु पर मान लीजिए हमारी ए बी है, जिसके हर बिंदु पर चाहे हम जितना भी कैपिटल और लेबर लगा रहे हैं इसके अनुसार हर बिंदु पर लागत समान आती, मान लो 100 रुपए आती है तो वो 100 रुपए इसके हर बिंदु पर 100 रुपए ही लागत होती है, लागत में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो इस प्रकार से इसके अंतर्गत पूंजी और जो श्रम है उसके सम लागत से लोगों को ये रेखा दर्शाती है। तो इस प्रकार से सम लागत वक्र का अर्थ यदि हम बात करें तो सम लागत वक्र दो उत्पादक साधनों के उन विभिन्न संयोगों का बिंदु पथ है जिस पर क्रम की कुल द्रव्य लागत समान होती है, अर्थात यह दो साधनों की एक ऐसी मूल्य आनुपातिक रेखा है जिसके प्रत्येक बिंदु पर श्रम और पूंजी के विभिन्न संयोगों का कुल व्यय समान रहता है। इसी प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि इसको हम यदि फार्मूले के रूप में हम देखें तो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल, That is price of labor divided by price of capital, ये बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम इसमें देख सकते हैं और ये समलागत जो रेखा है हमारी यदि हम नीचे समलागत रेखा है उसी समलागत रेखा को जो है वो ज्यादा लागत को दिखाएगी, उसके हर बिंदु पर ज्यादा लागत होगी। मान लो ये 50 की दिखा रही है, ये 70 की दिखा रही है, 100 की दिखा रही है, 120 की दिखा रही है, इसके हर बिंदु पर 120 ही होगा, इसके हर बिंदु पर 100 ही होगा। तो इस तरीके से नीचे जो सम लागत रेखा है वो कम कॉस्ट को दिखाती है और ऊंची सम लागत रेखा जो है वो एक प्रकार से ज्यादा लागत को दिखाती है। तो इसको हम और हमने ये देखा कि किस तरीके से इक्विलिब्रियम होता है। इक्विलिब्रियम के अंतर्गत जब उत्पादक का इक्विलिब्रियम हमने देखा तो उसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि उसके अंतर्गत सम लागत रेखा और सम उत्पाद वक्र जो है जहां स्पर्श करता है वो एक बिंदु जो है वो अनुकूलतम ऑप्टिमम प्रॉफिट का बिंदु होता है जहां पर न्यूनतम लागत
होती है और अधिकतम लाभ होता है। तो इस प्रकार से सम लागत वक्र है ये उत्पादन के अंतर्गत, उत्पादन की इकाई के अंतर्गत एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इनके माध्यम से हम